धारी जय गिरीवर धरी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भाई चरण अरविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविट संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की ताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के 125वें आविर्भाव महोत्सव में हम आप सभी का स्वागत करते हुए प्रभुपाद जी के जीवनी से चरित्र से कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। थोड़ा कम करना। तो अठारह सौ छियानवे में 1896
श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ कलकत्ता में। बड़े हर्ष की बात है कि पिछले एक महीने के अंतर्गत विश्व के कोने कोने से कई भक्त लोगों ने सपोर्ट करके प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान था, जो कि कलकत्ता में है, ही वॉज बॉर्न इन अ प्लेस अंडर अ जैकफ्रूट ट्री, वो पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है वो इस्कॉन ने अपने पोजीशन में लिया है, और आज बहुत राधारमण प्रभु जोर दे रहे थे कि मैं वहां आऊं, और उन लोगों ने पिछले 20 दिन में बहुत डे एंड नाइट काम करके उस जगह को एक बहुत सुंदर पार्क बना दिया है, जिसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर करने वाली है थ्रू जूम। सो प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। तो उनके जीवनी से हम लोग कई कुछ पास टाइम्स डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी एक बार उनके एक शिष्य हंसदूत प्रभु के पास थे, ये वृंदावन की बात है। वृंदावन में प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु को बहुत समय तक देखे, और फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मैं बहुत समय से आपको देख रहा हूं, यहां पर वृंदावन में हो, थोड़ा प्रीचिंग करना स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद वृंदावन में बड़ा आनंद आ रहा है, और प्रचार करें तो कहां करें। तो प्रभुपाद ने कहा अगर मैं चाहता हूं कि आप श्रीलंका में जाके प्रचार करो। तो हंसदूत प्रभु बोले श्रीलंका तो बहुत छोटा कंट्री है। प्रभुपाद ने कहा अच्छा तो फिर पाकिस्तान जाओ। तो वो थोड़ी देर सोचे और बोले नहीं श्रीलंका ही ठीक है, और फिर वो श्रीलंका में गए प्रीचिंग करने, और वहां अब्राहम कोवूर नाम के एक बहुत बड़े नास्तिकवाद वाले थे, उनको मिले और उनको उन्होंने डिबेट में हराया, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी के ग्रंथ में आता है। कैलिफोर्निया में उस समय जब प्रभुपाद जी ने जस्ट इस्कॉन की स्थापना यहां पर की थी न्यूयॉर्क में, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में दूसरा उनका एक स्टार्ट हुआ था सेंटर, तो वहां स्टार्ट होने के बाद कुछ दिनों के बाद कुछ भक्तों ने प्रभुपाद को कहा कि यहां सैन फ्रांसिस्को में नाइट क्लब्स बहुत एक्टिव हैं, और हमारी इच्छा है कि हम वो नाइट क्लब्स में जाएं। रात को 9 बजे से बड़ी एक्टिविटी होती है, और सुबह हम लोग का करीब 5 बजे तक चलता है वो, तो नाइट 9 o'clock से सुबह 4-5 बजे तक हम लोग वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप वहां जा रहे हो तो रिटर्न भी आना, क्योंकि प्रचार करने का भाव अच्छा है, लेकिन अगर उस प्रचार के कार्य में ध्यान नहीं दिया तो जिसको बचाने जा रहे हैं वही हमें खींच लेगा। भवानंद प्रभु एक बार प्रभुपाद के पास कुछ ऑयल का एक छोटा सा बॉटल लेके आए, और प्रभुपाद ने उसको देख के कहा ये क्या है। तो भवानंद प्रभु ने कहा ये रोज ऑयल है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का है प्रभुपाद, ये माथे पे लगाओ तो दिमाग ठंडा रहता है। तो प्रभुपाद ने तुरंत उस रोज ऑयल की बोतल के शीशी को खोला और पूरा बोतल का बोतल अपने हाथ में उड़ेल दिया, और भवानंद प्रभु बोलते प्रभुपाद एक एक बूंद बस हो गया, प्रभुपाद ने पूरा उड़ेल दिया और सर पे वो मलने लगे। भवानंद प्रभु ने कहा प्रभुपाद ये तो $70 का ये पूरा था, और केवल एक एक ड्रॉप करके आप 6 महीने चला सकते थे। फिर प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद जी लेकिन ये
पूरे अमेरिका का नंबर वन क्वालिटी का था, आपको कैसा लगा? प्रभुपाद ने कहा अच्छा है, लेकिन कलकत्ता में इससे अच्छा मिलता है। तो प्रभुपाद जी उनके अभिमान को समाप्त करना चाह रहे थे कि उनको लग रहा था कि यहां पे ये अच्छा है वो अच्छा है। द्वैते भद्रा भद्र ऐ मंद ऐ, तो जो भी है इस जगत में सब द्वंद से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में नए नए भक्त लोग थे, उन लोग गौर निताई के विग्रह की सेवा कर रहे थे और गौर निताई का इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी हम लोग पूजा करें, लेकिन उनके पास जगह नहीं थी ऑल्टर पर। तो उन लोगों ने सोचा कि कैसे करें, जगह तो एक ही ऑल्टर की है, एक ही डीटीस की ऑल्टर पर। तो उन्होंने ऑल्टर में एक घूमने वाला सिस्टम लगा दिया, तो एक ऐसा सिस्टम लगा दिया, बटन लगाओ तो वो घूमता है। तो घूमने वाले सिस्टम में सामने गौर नेता को बिठाया, गौर नेता के पीछे पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठा दिया। तो फ्रंट गौर नेता, बैक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और बटन दबा देते तो ऑल्टर घूमता था। तो कभी गौर नेता आ गए, कभी जगन्नाथ आ गए। तो प्रभुपाद आए, गौर नेता को देख के प्रणाम किए, दंडवत किए, दंडवत करके उठे, देखे जगन्नाथ खड़े। तो प्रभुपाद चकरा गए, बोले ये क्या है, दीज आर डीटीज और रोलिंग स्टोन। प्रभुपाद को वो लोग बोले कि प्रभुपाद हम सोच रहे थे कि छोटे से जगह पे दो डीटीज को करेंगे तो कैसा रहेगा। प्रभुपाद ने कहा भाव आपका अच्छा है, लेकिन डीटीज को आप इस तरह से नहीं कर सकते, डीटीज नीड टू बी ऑन अ स्टेबल प्लेटफॉर्म। तो प्रभुपाद जी ऐसे लगभग 18-20 वर्ष के नए नए लोगों को भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा में प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिए थे। प्रभुपाद की एक बहुत बड़ी योगदान रही कि वो विश्व में उन्होंने राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान इत्यादि के विग्रहों की सेवा पूजा को एक वैश्विक रूप दिया। इतने हिंदू मंदिर विश्व में उस समय नहीं थे जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना अमेरिका में की, और उस समय श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य वो व्यक्त करते हैं कि सबसे पहले डीटीज कैसे बने। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को तो सभी जानते ही, लेकिन वो इस्कॉन में आए कैसे। मालती माता जी एक स्टोर में गई, वहां पे उनको ये छोटा सा एक डीटी दिखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसको उठा लिया और लाकर प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने तुरंत प्रणाम किया। प्रभुपाद बोले अरे ये तो जगन्नाथ है। बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं। प्रभुपाद ने कहां से लाया, बोले एक दुकान था, अच्छा लगा ले आई। ये ने कहा उठा के लाई, प्रभुपाद को लाए, लगा कि खरीद के लाए। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये तो काला है, एक होंगे सफेद और एक पीले, उनको भी लेके आओ। तो ये गई और सोची कि अब मैं जाके दुकानदार को बोलूंगी ये दो दो तो वो एक मिसिंग पकड़ में आएगा, तो बाकी दोनों को भी उठा के लेके आ गई। फिर प्रभुपाद को लाके दिया। तो प्रभुपाद को पूछा अभी क्या करें, तो प्रभुपाद ने कहा आपके जो पति हैं श्याम सुंदर दास वो बहुत अच्छा कार्विंग करते हैं, तो उनको हम ये डीटीज देंगे बनाने के लिए। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के आदेश पर वो जो छोटे छोटे डीटीज को देखकर उसका पूरा डीटीज बड़े साइज में बनाने लगे। उस समय वो पूरी तरह नियम पालन भी नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद बीच में जगन्नाथ जी का प्रोग्रेस कितना हुआ देखने के लिए गए। प्रभुपाद जब प्रवेश किए तो एक तो वहां पर कुत्ता था,
और फिर जब प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ जी को, तो बलदेव जी का विग्रह बन रहा था और बलदेव जी के विग्रह के हाथ के ऊपर ऐश ट्रे रखा हुआ था और आधा फूका हुआ सिगरेट। तो प्रभुपाद उस समय देखे और प्रभुपाद उनको बोले, Why do you allow a cigarette to come between you and Krishna? You are aspiring for eternal joy. इतना कह के प्रभुपाद निकल गए। वो समझ गए, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया और फिर DTS को कंप्लीट किया। फिर प्रभुपाद उसको सैन फ्रांसिस्को के उस समय का जो अपना मंदिर था, एक छोटा सा सेंटर था, वहां पे प्रभुपाद जी ने उसको इंस्टॉल किया। आज इस्कॉन के मंदिरों में इंस्टॉलेशन सेरेमनी 3 से 5 दिन चलता है, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, बहुत इलैबरेट उसमें रिचुअल्स होते हैं, कितने बड़े बड़े पंडित आते हैं वहां पर, लाखों का खर्चा होता है। लेकिन जो पहला मंदिर इस्कॉन का, उसमें फर्स्ट डीटीज इस्कॉन के थे, वो थे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। और प्रभुपाद ने उस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ वगैरह नहीं किए। सैन फ्रांसिस्को में कई हिप्पी लोग थे, वही लोग आते थे मंदिर में। प्रभुपाद ने सबको कहा, आज हम लोग जगन्नाथ जी को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या करना होगा सब पूछे। प्रभुपाद बोले, आपके हाथ में मोमबत्ती दूंगा, जगन्नाथ जी के सामने आओ, जलती हुई मोमबत्ती को घुमाओ और हरे कृष्ण जपते हुए, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो कि वो यहां प्रकट हो जाएं। तो एक हिप्पी ने पूछा, कितने समय तक हिलाना है? वो बोले, जब तक हाथ थकता नहीं, घुमाते रहो। तो बोले, अरे तो बड़ा आश्चर्यजनक प्रस्ताव है। तो कई लोग आए और इस तरह हाथ को घुमा घुमा कर उन्होंने जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन हो गया, अगले दिन प्रभुपाद आए दर्शन करने, जगन्नाथ जी सीट पर गायब, केवल बलदेव और सुभद्रा है। प्रभुपाद ने कहा, जगन्नाथ जी कहाँ गए? तो वहां पर एक डिवोटी ने कहा, आपने कहा कि हमको सबसे अच्छा जो लगता है भगवान को देना चाहिए, हमको बीच पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, हमने सोचा यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, घुमा के लाते हैं। तो जगन्नाथ जी को बीच पे ले गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा बीच पे ले गए, तो इसके लिए भी एक विधि है, उसको कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। तो तब प्रभुपाद जी ने तुरंत विचार किया कि हम लोग रथ यात्रा करेंगे, और कुछ महीनों के बाद वहीं पर जगन्नाथ की रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में ही प्रथम बार आयोजित की गई। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ का प्रचार करने लगे, जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ जी की महिमा पूरे विश्व भर में प्रस्तुत करने लगे, इस प्रकार अधिक से अधिक लोग प्रभुपाद के मंदिरों में जुड़ने लगे। और कई लोगों को डीटी वर्शिप क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तुलसी महारानी क्या है वो भी नहीं जानते थे। प्रतु प्रभु बताते हैं, वो लोग ने कभी तुलसी महारानी देखी नहीं थी, केवल पढ़ा था प्रभुपाद ने लिखा है कि जिस मंदिर में अच्छी भक्ति होगी वहां तुलसी बढ़ेगी, तुलसी महारानी का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो किसी इंडियन व्यक्ति ने आके उनको एक गिफ्ट दिया प्लांट का, उनको लगा यही तुलसी है। उन लोग ने वहां पर उसको आंगन में लगाया, पानी देने लगे, भटभटभट बढ़ने लगा। तो उनको लगा, अरे हम लोग की भक्ति बहुत पावरफुल है, तुलसी बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो एक और इंडियन आए और बोले, ये तुलसी नहीं, ये बैम्बू का पेड़ है। तो तुलसी और बैम्बू के पेड़ में डिफरेंस उनको नहीं पता था। प्रहलादानंद महाराज जब नए नए मंदिर में घुसे, जिस दिन प्रवेश किए उस दिन वो पुजारी उनको चाबी देके निकल गया, बोले मैं दूसरे मंदिर में जा रहा हूं, आप ही पुजारी बनो। बोले, पुजारी मुझे पता ही नहीं क्या होता है,
बोले कुछ नहीं, हाथ में अगरबत्ती लो घुमाओ, उसके बाद दीप लो घुमाओ, ये सब थोड़ा बहुत आइटम्स है उसको दिखाते रहो भगवान को 6 बार, हो गया आपका पुजारी का काम, बोल के निकल गए, कुछ डिटेल ट्रेनिंग ही नहीं दी। तो निकलने के बाद प्रहलाद आनंद महाराज अब अपना पहला आरती करने लगे, अगरबत्ती लिया, अगरबत्ती घुमाने लगे, फिर वो सोचे कि कितने समय तक घुमाना है, नहीं बताया उसने, तो एक अगरबत्ती को ही वो आधा घंटा घुमाते रहे, फिर दीप को लिया, दीप को आधा घंटा घुमाए, पहली आरती उनकी 4 घंटे चली। तो फिर वो कैलकुलेट करने लगे, ऐसा अगर 6 आरती करना है तो 24 घंटे हो जाएंगे, कहीं तो मैं गलती कर रहा हूं। तो फिर उनको पत्र से प्रभुपाद जी ने बताया कि आधे घंटे में, 25 मिनट में, 20 मिनट में इस तरह आरती होती है। बेसिक बेसिक चीज भी प्रभुपाद जी लेटर से लिख के समझाते थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि 1966 से 77 के बीच प्रभुपाद जी ने कितनी बार फोन पे बात किया इस्कॉन की स्थापना करते हुए पूरे विश्व में, केवल 2 बार, 2 या 3 बार फोन पर उन्होंने बात किया। पूरी इस्कॉन की स्थापना हुई केवल चिट्ठी के माध्यम से, लेटर लिख लिख के, ईमेल भी नहीं, लेटर लिखो पोस्ट करो वो जाएगा, फिर वो रिसीव होगा, फिर लेटर लिखा जाएगा। इस तरह से प्रभुपा जी कार्य कर रहे थे। तो इसलिए यहां पर जो विग्रह हैं डीटीज, ये डीटीज को विश्व भर में इतने सुंदर रूप से पूजा करने की शैली प्रभुपा जी ने अपने शिष्यों को सिखाई। तो सिडनी में भक्त लोग थे और एक जगह पर वो लोग मंदिर बनाए थे, सेंटर था छोटा सा। एक इंडियन जेंटलमैन आए और देखा इस्कॉन कृष्णा टेम्पल वगैरह, तो इंडियन जेंटलमैन को लगा चलो भाई कृष्ण का कोई मंदिर होगा, घुसे अंदर। अंदर गए तो देखा कि केवल फोटो है। अब हिंदू व्यक्ति कोई मंदिर करके जाए तो उसको लगता है डीटीज तो होने चाहिए। फोटो देख के डिसअपॉइंट हो गए, बोले यार आप लोग मंदिर करके लिखे हो, अंदर तो विग्रह है ही नहीं, केवल फोटो आपने लटका के रखा है, ये कैसे चलेगा? तो बोले नहीं भाई, हम लोग तो अभी यही लेवल पे हैं, फोटो से ही काम चला रहे हैं। तो बोला नहीं, मैं आपको डीटीज डोनेट करूंगा, आप डीटीज रखिए। तो बोले ठीक है, आप देते तो ठीक है, हम रख लेंगे। तो वो इंडियन जेंटलमैन पूरा उनका एड्रेस वेड्रेस नोट करके चला गया। और कुछ समय के बाद भक्त लोगों को वो वाला एड्रेस छोड़ के सिडनी में दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा, पुराना लैंडलॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया। पुराने वाले जगह पर बताया नहीं कि नया कहाँ जा रहे हैं। अब वो जेंटलमैन गया भारत, भारत में जाके जयपुर में एक राधा कृष्ण की डीटीज ऑर्डर करके शिप किया पुराने एड्रेस पे। डीटीज पहुंचे सिडनी के पुराने एड्रेस पे, वहां पर जब देखे कि तो यहाँ कृष्णा मंदिर है ही नहीं, नया टेनेंट था वहां पे, पूछे उसको कहाँ गए भाई, यहाँ रहते थे मंदिर, और यहाँ कोई मेरे कुछ कुछ पता नहीं, लेके जाओ इसको। वो जो डीटीज का पार्सल था वो वापस सिडनी में पड़ा रहा, फिर वापस कस्टम्स में आके पड़ा रहा, फिर वापस उस व्यक्ति के पास आ गया जिसने भेजा था। वो इंडियन जेंटलमैन बहुत ऑफेंड हो गया, यार मैं राधा कृष्ण का डीटीज बनवा के स्पॉन्सर करके भेज रहा हूं पार्सल से, ये लोग इतने निर्लज है कि उसको भी रिटर्न कर देते। तो ऐसे क्रोध में वो घूम ही रहा था, तभी उसने बड़ा पोस्टर देखा, क्रॉस मैदान फेस्टिवल, हरे कृष्णा उत्सव, और प्रभुपाद का फोटो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, मार्च 24 से अप्रैल 3 तारीख तक 1971 में चला। उसको देख के लगा अरे ये लोग वही हैं जिनको मैं डोनेट किया और उन्होंने ठुकरा दिया, पकड़ता हूं उनको जाके अभी मैं। तो सीधा क्रॉस मैदान में पहुंच गए और प्रभुपाद के
पंडाल के बगल में प्रभुपाद के लिए एक छोटा सा कमरा था, वहां घुस गए और कंप्लेंट करने लगा, अरे क्या मैंने भेजा आपको सिडनी में डीटीस, वापस भेज दिया वो लोग ने, बड़े निर्लज लोग है, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो आप। प्रभुपाद ने कहा ठीक है डीटीस आ गए ना आपके पास है। बोले हाँ। प्रभुपाद लेके आओ अभी। बोले कहा, यही लेके आओ, पंडाल में रखूंगा मैं स्वीकार करूंगा उसको और फिर मैं उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगा। तो प्रभुपाद ने तुरंत मंगा लिया डीटीस को, वो डीटीस लेके आए और जो क्रॉस मैदान का पंडाल प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर उन डीटीस को रखा। पहले ही एक सेट डीटीस थे, पहले सेट कौन से थे, राधा रास बिहारी, वो डीटीस थे। प्रभुपाद ने दूसरे सेट को लाकर रख दिया ऊपर और प्रभुपाद ने उस डीटीस को क्या नाम दिया, राधा गोपीनाथ। तो क्रॉस मैदान फेस्टिवल 1971 में उस पंडाल प्रोग्राम के स्टेज पर राधा रास बिहारी और राधा गोपीनाथ दोनों साथ में थे। फिर तुरंत प्रभुपाद क्रॉस मैदान पंडाल के बाद वहां से निकल के गए सिडनी, साथ में अपने लेके गए डीटीएस को, वहीं पर इंस्टॉल किया सिडनी में राधा गोपीनाथ को 1971 में। तो इस तरह से प्रभुपाद जी पूरे विश्व के कोने कोने में कई मंदिरों में मंदिरों की स्थापना की डीटीस के साथ विद इलैबरेट वर्शिप। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी देन रही पूरे विश्व के लिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं कि पाश्चात्य देश के कोई भी लोग इस प्रकार अर्च विग्रहों की सेवा पूजा कर पाएंगे। इस तरह तो हयग्रीव प्रभु अपना स्टोरी बताते हैं। हयग्रीव प्रभु उस समय न्यू वृंदावन में थे, उन्होंने सुना था कि प्रभुपाद जी शायद मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे। उन्होंने संकल्प किया नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है। तो उन्होंने एक पूरा एक पेपर पर अलग अलग पॉइंट्स लिख दिया कैसे मैं प्रेसिडेंट बनने के योग्य नहीं हूं। सारे पॉइंट्स को लेकर जेब में लेके प्रभुपाद के पास गए, प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा कैसे हो हयग्रीव। बोले अच्छे हैं, क्या सेवा मेरे लायक, बोल रहे थे लेकिन जेब में कुछ और इरादा था स्वीकार नहीं करने का। फिर अब वो सोच रहे थे क्या प्रभुपाद बोलेंगे, प्रेसिडेंट बन जाओ, तैयार थे वो, रीजंस जेब में रेडी थे नहीं बनने के। प्रभुपाद ने कहा हयग्रीव आई एम थिंकिंग यू शुड टेक संन्यास। झटका खाए। प्रभुपाद मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, छोटा सा बच्चा है। बोले प्रभुपाद कोई बात नहीं, कृष्णा है ना पूरे। लेकिन प्रभुपाद मैं योग्य नहीं हूं। नहीं नहीं कोई बात, योग्यता आएगी, कभी कभी उत्तरदायित्व तो लेना पड़ता है तब योग्यता आती। जितना वो बहस कर रहे प्रभुपाद उतना ही उल्टा बोल रहे हैं। फाइनली बोले प्रभुपाद जी मैं कुछ भी करूंगा संन्यास नहीं लूंगा। प्रभुपाद ने कहा प्रेसिडेंट बन जाओ। तो प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर में थे, हाल ही में भुवनेश्वर भी मैं गया था पिछले महीने, तो भुवनेश्वर में जो इस्कॉन का मंदिर आज जिस स्थान पर है, उस समय बड़ा वीरान सुनसान जगह था भुवनेश्वर का। और हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज वहां पर थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी से उड़िया में अनुवाद हो गया क्या। गौर गोविंद महाराज ने कहा मैं बहुत बिजी रहता हूं, दिन भर इतने सारे प्रशासन के कार्य होते हैं, मैनेजमेंट इतना चल रहा है, कहां टाइम मिलता है। प्रभुपाद ने कहा अरे श्रीमद् भागवत को अनुवाद करना कितना महत्वपूर्ण सेवा है, उसको छोड़कर तुम क्या मैनेजमेंट कर रहे हो, और किसी को तो मैनेजमेंट करने। प्रभु गौर गोविंद महाराज, प्रभुपाद जी और किसी को,
मैं यहां प्रेसिडेंट हूं और रेसिडेंट भी मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं यहां पर, सब काम हमको ही करना पड़ता है। तब प्रभुपाद एक अमेरिकन भक्त को देखे और प्रभुपाद गौरगोविंद महाराज को बोले, ये जो भक्त दिख रहा है उसको हम कल प्रेसिडेंट बना देंगे, उसको हम यहां मैनेजर बना देंगे, वो मैनेजमेंट ये करेगा। तो गौरगोविंद महाराज बोले, आपको बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि कल का टिकट निकाला है न्यूयॉर्क जाने का। प्रभुपाद ने कहा, इसका प्लान हम बदल डालेंगे। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, वो डिवोटी को, वो आकर प्रणाम किए प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी वो डिवोटी को देख के मुस्कुराए। जब प्रभुपाद मुस्कुराए वो डिवोटी और घबरा गया, क्योंकि उनका परमात्मा अंदर से वार्निंग दे रहा था, कुछ तो होने वाला है। प्रभुपाद बोले, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर बैठकर थोड़ा मैनेजमेंट करो। वो हाथ जोड़ के बोले, प्रभुपाद वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूं कल। प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, आप मत जाओ, यही रहो, टिकट कैंसिल करो, यही रहो, मैनेजमेंट करो। वो भक्त फिर हाथ जोड़ा, बोला, प्रभुपाद इंडिया में जो वेदर है मेरे को जमता नहीं है, इसलिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, एक जगह पर लंबे समय रहोगे तभी जमेगा। फिर वो बोले, प्रभुपाद जी यहाँ का खाना भी मेरे को सूट नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुमको लिख के दूंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उतना खाना सब जमेगा। वो घबरा गया है, बोले यार ये तो पीछे पड़ गए अपने। फिर बोले, प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में मेरे लिए नया डिपार्टमेंट खोला है, वो मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, दूसरे किसी भक्त को मैं लगा दूंगा वो डिपार्टमेंट के लिए, आप यहीं बैठो। तो ये बिल्कुल और तेजी से दिमाग चलाने लगे कि भाई ऑप्शंस तो कम होते जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी लोकल जीबीसी के साथ मेरा जमता ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, आज ही मैं जीबीसी बदल डालूंगा। और कुछ बोले तो क्या बोले। तो फाइनल एक ब्रह्मास्त्र रह गया था, तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी सुबह से रात तक मैं इतना यहां बिजी रहता हूं कि मेरा 16 माला नहीं हो पाता। कभी मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा तो आराम से बैठ के 16 माला तो कर सकता हूं। प्रभुपाद ने कहा, सुबह से रात बिजी रहती हो, 16 माला नहीं भी करो कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो घबरा गए, बोले, प्रभुपाद मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने कहा, पहले का यही रहो, थोड़ा मैनेज करो। तो कैसे प्रभुपाद जी ने 70 से 80 वर्ष की आयु के बीच पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए लोगों को प्रेरणा दी। प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा किसी को, बताइए जो मेरा योगदान जो था वो कैसा था। एक किसी का नाम लिया और बोले, उसका योगदान अधिक था कि मेरा। फिर प्रभुपाद ने कहा, देखो भाई, एक समय था जब अंग्रेजों को हमने यहां से निकाल दिया, लेकिन मैंने अब अंग्रेजों को सेवा में लगा दिया। और फिर प्रभुपाद मुड़ के देखे, बगल में एक ब्रिटिश भक्त जो था चामर ढुला रहा था, और प्रभुपाद ने कहा, मैं इसको पगार भी नहीं देता। अब आप सोचो कि इतने सारे पाश्चात्य देश के अमेरिकन ब्रिटिश लोग सेवा में क्यों लगे हुए हैं। लोग कहते हैं भारत गरीब देश है। अगर भारत अगर गरीब देश है तो अमीर देश के इतने सारे नवयुवक सबको छोड़ छाड़ कर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको गीता और भागवत के ज्ञान का धन, उसका मूल्य क्या है पता पड़ गया। तो इसलिए ये सबसे मूल्यवान धरोहर है, ये भारत का सनातन धर्म है। इसको श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व के समक्ष इतने आत्मविश्वास और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि सब लोगों के नेत्र खुल गए कि ये वास्तव में
गीता है ये वास्तव में भागवत है। प्रभुपाद जी के एक सेक्रेटरी थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी एक छोटा सफेद रंग का सूटकेस लेके घुमा करते थे। उनको लगा कि ये सूटकेस प्रभुपाद जी बहुत समय यूज किए हैं, वो अगर मुझे मिल जाए महाप्रसाद सोविनीर के रूप में, उसको मैं जीवन भर अपने घर पर रखूंगा, पूजा करूंगा। तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद का पुराना सूटकेस कैसे मिले, तो उसने दिमाग लगाया नया सूटकेस गिफ्ट करूंगा तो पुराना मिल जाएगा और बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एक बड़ा सूटकेस लेके आए, सोचा कि सफेद वाला छोटा सा है, इससे बड़ा वाला लाऊंगा तो प्रभुपाद को लगेगा अच्छा है तो फिर छोटा वाला दे देंगे। बड़ा वाला सूटकेस लाके प्रभुपाद जी आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, नया बड़ा सूटकेस प्रभुपाद जी के सामने रखे। प्रभुपाद जी सूटकेस खोले, अंदर देखे, बोले बहुत बढ़िया है। फिर छोटा सूटकेस लेके बड़े के अंदर डाल दिया, बड़े को बंद कर दिया और बड़ा और छोटा दोनों को लेके हाथ में खड़े हो गए। बोले कैसा लग रहा हूं मैं? अब वो घबरा गए, अब क्या बोल सकते थे। तीन चार बार चक्कर लगाने के बाद प्रभुपाद ने उसको पूछा, तुमको वो सफेद वाला छोटा वाला सूटकेस चाहिए क्या? उसने कहा हाँ। तो प्रभुपाद ने कहा कपट क्यों करते हो, सीधा बोलो। तो इसलिए निष्कपट भाव से सेवा करना आवश्यक है और ये निष्कपट सेवा भाव भक्ति भाव का मूल स्वरूप है। वैष्णवेर गुण ग्राही न देखाए दोष, वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना है, उनके गुणों को देखना है, उनका दोष दर्शन नहीं करना है। सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा। सबार सम्मान करता करे सबार हित, कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जानेता रचित। तो वैष्णव का हृदय इन सभी नकारात्मक भावों से रिक्त होता है। गिरिराज महाराज जब पूर्णकालिक भक्त बने, उस समय उनके माता पिता को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ब्रेन वॉश हो गया, तो एक साइकेट्रिस्ट को लेके आए। वो साइकेट्रिस्ट गिरिराज महाराज को अकेले कमरे में लेके गए और पूछने लगे, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो बोले एक ही प्रॉब्लम है। बोले अच्छा क्या है? गिरिराज महाराज बोले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। साइकेट्रिस्ट घबरा गए, बोले ये क्या है? फिर अगला प्रश्न पूछे, उसका भी उत्तर गीता के श्लोक से दिया। फिर अगला प्रश्न पूछे, उसका भी उत्तर गीता के श्लोक से। आधा घंटा तक वो प्रश्न पूछे जा रहे थी, सारा उत्तर गीता के श्लोक से। आधे घंटे बाद साइकेट्रिस्ट बाहर निकल के आई, माता पिता को मिली और बोले, आपके बेटे के साथ आधा घंटा और मैं बैठूंगी तो मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी। योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो प्रभुपाद को जब गिरिराज महाराज ने बताया तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, बोले इवन साइकेट्रिस्ट आर सर्टिफाइड। वास्तव में ये सनातन धर्म हम सभी के हृदय के चित्त के अंदर स्वाभाविक स्वरूप में स्थित है। ऊपर से खरोच मारो तो अंदर से वो प्रकट होता है। क्या धरती के अंदर खनिज है? है। तेल है? है। जल है? है। दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन उसको उपयुक्त यंत्र के साथ जब ड्रिलिंग करो तो अंदर से कभी जल निकलेगा, कभी तेल निकलेगा, सब निकलेगा।
उसकी एक प्रक्रिया होती है। वैसे ही हम सभी के हृदय में सुप्त अवस्था में शुद्ध कृष्ण प्रेम स्थित है। इसकी उपेक्षा करके हम इस भौतिक जगत की तृष्णा के पीछे पागल हैं, कृष्णा को भूलकर। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा यह उदाहरण देते थे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन सूर्य पूरे विश्व का है। उसी प्रकार भारत में जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो पूरे विश्व के लिए है। एडिसन ने बल्ब, उसी प्रकार ये गीता और भागवत का ज्ञान भी पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए है। प्रभुपाद जी अमृतसर में थे, अमृतसर में एक सम्मेलन चल रहा था, कई कई पंथ के लोग वहां पर आकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, प्रभुपाद जी भी बैठे थे, गुरुदास प्रभु उनके साथ थे। अचानक प्रभुपाद उठे और चलने लगे स्टेज से, तो गुरुदास प्रभु उनके पीछे पीछे गए, बोले प्रभुपाद जी आप कहां जा रहे हो, नेक्स्ट स्पीकर तो आप हो। प्रभुपाद जी बोले यहां पर जितने प्रवक्ता हैं सभी एक ही चीज बोल रहे हैं, हम सब एक हैं, सब कुछ एक है, मुझे इस प्रकार के मंच पर कुछ बोलने की इच्छा नहीं। लेकिन अगला तो इस्कॉन का नंबर है, कौन बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, तो प्रभुपाद ने कहा तुम बोलो। गुरुदास प्रभु बोले मैं तो दो तीन साल ही हुए मुझे इस्कॉन में जुड़े हुए, मैं क्या बोलूं। प्रभुपाद ने कहा जो लेवल पे ये लोग बोल रहे हैं उतना तो तुमको बहुत आता है, जितना तुम सीख रहे हो मोर देन इनफ। तो बाकी सब कई वयोवृद्ध लोग थे, अब गुरुदास प्रभु 22-23 साल के, अगला उनका नंबर आया इस्कॉन का, तो फिर वो खड़े हो गए और बोले यहां पर सब लोग अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि सब कुछ एक है, अध्यात्म मतलब एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, लेकिन हमारा ये मत है कि अगर सब कुछ एक है तो इज रसगुल्ला द स्वीट सेम एज स्टूल ऑन द स्ट्रीट। रसगुल्ला और विष्टा एक है क्या? ये सुनकर सब झटका खाए, यार ये क्या है। प्रभुपाद के पास सभी साधु लोग आ गए, कंप्लेंट करने लगे, आपका शिष्य हमको गाली देता है। प्रभुपाद ने कहा अरे क्या बोला, बोलता है हमको विष्टा खाओ, ही इज टेलिंग अस टू ईट स्टूल। प्रभुपाद ने बुलाया गुरुदास प्रभु, ऐसा कहा का प्रभु, मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि हाउ कैन इफ एवरीथिंग इज वन, हाउ कैन स्टूल ऑन द स्ट्रीट बी सेम एज रसगुल्ला, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रभुपाद बोले अच्छा अच्छा आपने ऐसा कहा था क्या। फिर प्रभुपाद उन साधु लोगों को देख के बोले माई अमेरिकन डिसाइपल्स दे लाइक टू गिव वेरी ग्राफिक एग्जाम्पल, तो आप उससे ऑफेंड मत हो जाइए, वैसे ही है थोड़े। तो फिर वो लोग चले गए, फिर प्रभुपाद गुरुदास प्रभु को देख के बोले व्हाट इज दैट रसगुल्ला द स्वीट एंड स्टूल ऑन द स्ट्रीट, वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में सबको लगता है कि सब कुछ एक है, लेकिन नहीं। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से जीव और भगवान में भिन्नता क्या है और जीव और भगवान के बीच सनातन संबंध क्या है इसको स्थापित किए, बिना किसी संशय के। तो प्रभुपाद जी ने कहा माय गुरु महाराज डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई आल्सो डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसलिए आप बोलो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, आपको क्या लगता है ये ठीक है ये भी ठीक है, तो इसमें आपको लगेगा कि अधिक से अधिक लोग आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसी वैश्विक स्वीकृति में हम लोगों को सही मार्ग नहीं दिखा पाते। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब स्टार्टिंग में इस्कॉन शब्द के पहले कुछ लोग बोल रहे थे वी शुड नेम इट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस,
बिकॉज प्रभुपाद गॉड इज जेनरल जेनेरिक वर्ड, तो हो सकता है कोई दूसरे के भक्त होंगे कोई, तो उन लोग को भी स्कोप मिलता है जुड़ने का। आपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस करके घोषित कर दिया, तो जो कृष्ण नहीं जानते, जो कृष्ण से नहीं जुड़े हुए, जिनका प्रेफरेंस कृष्णा नहीं है, वो सारा मार्केट सेगमेंट हम लूज कर जाएंगे। इट इज नॉट गुड ब्रांडिंग। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड बोलने से मतलब पूरा स्कोप मिलता है। इनको भी जोड़ो, उनको भी जोड़ो, अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे अपन। केवल कृष्णा बोल दिया तो सीमित हो जाता है भैया। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम लोग पब्लिक के पीछे नहीं जा रहे, हमको थोड़े लोग चाहिए जो कृष्णा की सेवा करने के लिए रेडी हो। इसीलिए जिस व्यक्ति को जो अस्पताल चलाना है उसको घोषित करना पड़ता है, ये क्या है, एलोपैथिक हॉस्पिटल या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या होम्योपैथिक हॉस्पिटल। वो ये नहीं बोल सकता हॉस्पिटल, कौन सी दवाएं आपको क्या अच्छी लगती है, आपको क्या लगता है, आप जो चाहो वही। तो ऐसे में बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन दोगे क्या। तो इसलिए इस चक्कर में फंसना बहुत खतरनाक है। तो पहले से कृष्ण ने कह दिया गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये। लोकप्रिय होना हो तो ये भक्ति का साधन वो मार्ग नहीं है, ये मार्केट पहले से ही माइनॉरिटी वाला है, है कि नहीं। तो इसलिए पहले ही समझ जाओ, जैसे ही कृष्ण भक्ति बोलोगे तुरंत बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे। और स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने कहा 16 माला और 4 नियम। 4 नियम का, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम सुन के पूरी दुनिया निकल जाएगी, कौन आना चाहेगा। फिर बोले कांदा लहसुन भी नहीं, फिर चाय कॉफी भी नहीं, बोले बच्चा क्या है, जिंदा है कि मर गए। तो वास्तव में कोई व्यक्ति ये सब नियम को सुनेगा तो उनको लगेगा कि करना क्या है फिर, क्योंकि कभी कल्पना भी नहीं की कि इसके बिना भी जीवन हो सकता है। है कि नहीं। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना संघ से जुड़ता है तो धीरे धीरे जैसे वो नाम जप करने लगता है उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो इसलिए जैसे आप जप करोगे, कथा करोगे, कीर्तन करोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे, वो परिवर्तन आने लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद को एक शिष्य ने पत्र लिखा और कहा कि हम लोग आपके बुक्स को डिस्प्ले करते हैं। जब आपके बुक्स को डिस्प्ले करते हैं तो बुक्स के बगल में हम लोग प्रसादम का भी काउंटर रखते हैं। तो पहले व्यक्ति आता है, प्रसादम खाता है, प्रसादम खाने के बाद उसको लगता है चलो भाई बगल में क्या है, किताब है, उसको देखने लगता है, एक लेता है, दो लेता है, तीन लेता है। इतने उसको बुक्स अच्छे लगते हैं कि कई बुक्स उठा के हाथ भर के लेके चला जाता है, सारा पैसा वो खर्च कर देता है बुक्स खरीदने में, उसको इतना अच्छा लगता है। प्रभुपाद ने कहा यस दैट इज अवर मिशन, हैंड्स फुल स्टमक फुल प्लस एम्प्टी। समझो कि मुझे अपने जीवन में किस दिशा में चलनी है। प्रहलाद महाराज ने भागवतम में प्रश्न पूछा, कौन सा महंगा सौदा है, नरक में जाना या वैकुंठ में जाना। फिर उन्होंने उत्तर दिया, नरक में जाना बहुत महंगा है। क्यों? नरक में जाने के लिए पाप करना पड़ेगा,
मांसाहार करेगा। अब मांस महंगा है कि आलू? आलू या दूधी सस्ता है, मांस खरीदने जाओ तो महंगा है। फिर पाप करने जाओ तो पीना पड़ेगा दारू। अब दारू महंगा है कि नींबू का शरबत? अब जो भी पाप के कार्यक्रम को देखो सब महंगा आइटम है। तो मतलब पैसा भी खर्च होता है और पैसा खर्च करने के बाद नरक के फ्लाइट का ही बुकिंग हो रहा है। और वैकुंठ जाना हो तो क्या करना है? कथा फ्री में है, कीर्तन फ्री में है, नाम जप हाथ में माला लेके जप करना वो भी फ्री में है कि नहीं? तो केवल आपको कुछ मिनिमम परिवर्तन करना है आपके जीवन में। आप जो घर पर भोजन करो उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। शाकाहारी भोजन घर पे बनाओ बिना कांदा और लहसुन के, और भगवान को भोग लगाओ। घबराओ मत, मरोगे नहीं, जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इसको कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ दुरो स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्षा। सबसे बड़ा अटैक होता है भोजन के माध्यम से। तो इसलिए भोजन में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कुकिंग करना आरंभ किया 70 साल की आयु में। क्योंकि बोले जब तक मन शुद्ध नहीं होगा अन्न से तब तक ये गीता अंदर नहीं घुसेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तब सत्वगुण बनेगा। सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, तब स्मृति प्रकट होगी। खुद अपने हाथ से बना रहे थे, 10-15 आइटम संडे के दिन संडे फीस्ट करके बनाए। और भक्त लोग इतना खुश हो जाते थे प्रसाद को देख के, प्रोग्राम के पहले खा जाते थे उसको। गेस्ट लोगों के लिए कुछ बचता नहीं था। प्रभुपाद ने कहा नहीं, गेस्ट खाने के बाद खाने का नियम है। फिर अपने मुकुंद महाराज, उस समय मुकुंद और जानकी उनका पहला वेडिंग था, तो उनके मुकुंद महाराज जो उस समय प्रभु थे उनके मित्र आए थे। वो लोगों ने, कई लोग मैक्रोबायोटिक डाइट पे थे, मतलब केवल तरकारी और भाजी वाजी खाना, कुक्ड फूड नहीं, रॉ फूड सब। ये 10-15 लोग वैसे ही वाले थे। और फिर शादी के बाद जब फीस्ट देखा तो फीस्ट से सुगंध तो जोरदार आ रहा था। वो बोलने लगे ना कि हम तो मैक्रोबायोटिक वाले हैं। एक ने पूरा गौर से देख के बोला, भाड़ में गया मेरा मैक्रोबायोटिक, मैं तो खाने वाला हूं। और उसको देखकर 2-3 और उत्साह में आ गए, सब खाने लगे। फिर उसमें से एक ने तो प्रभुपाद का बनाया हुआ कचौरी को जैसे ही मुंह में रखा, वो कचौरी उनके जिह्वा पर जैसे स्पर्श किया, ऐसे रस का उत्सव उनके जिह्वा पर प्रकट हो गया कि उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया, जिसने भी ये बनाया है मेरा लाइफ उसके लिए। केवल कचौरी खा के डेडिकेट हो गए। इसलिए आज हम लोग ने लंच में कचौरी बनाया था, क्योंकि प्रभुपाद का ये फेवरेट आइटम में से। और दूसरा आज स्वीट में क्या था? गुलाब जामुन, वो भी एक कारण से बनाया। तो प्रभुपाद ने जब गुलाब जामुन बनाया, और प्रभुपाद का गुलाब जामुन बहुत बड़ा होता था और बड़ा ही रसीला और मुलायम सुस्वादु, तो प्रभुपाद जब अपने हाथ से गुलाब जामुन बनाते थे, एक बड़ा मटका भर के उसको टेम्पल के एंट्रेंस में रख देते थे। और नियम था कि जिसको जब चाहे वो खा सकता है, जितना चाहे जभी भी खा सकते हैं, कोई नियम नहीं। आते जाते लोग खाते रहते थे।
तो कभी कभी वो नियम कड़क थे, इसके लिए कुछ लोग सोचते थे चलो निकलते यार बहुत हो गया। तो ऐसा कभी वो निकलते निकलते उनकी दृष्टि पड़ जाती मटके पे, तो बोले निकल तो जाएंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो जाते जाते एक लास्ट खा लेते हैं, तो खड़े खड़े एक खा लेते थे, फिर लगता है जा ही रहे तो एक और खा लेते। तो जब तक वो दो चार खाते खाते समय बिताते थे, कोई ना कोई आके देख लेते थे, बोलते कहीं जा रहे हो क्या? बोलते नहीं कहीं नहीं जा रहा, कहां जाऊंगा। तो इसलिए प्रभुपाद उनको बोलते थे इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन को। फिर किसी ने पूछा व्हाई यू आर कॉलिंग इट बुलेट्स, प्रभुपाद सेड बिकॉज दे शूट माया डेड। तो ये एक ऊंचा स्वाद तैयार करता है प्रसाद। तो इसलिए ग्रंथों का वितरण करना, फिलॉसफी देना, ये एक लेवल पर हस्तक्षेप है, लेकिन उस फिलॉसफी के साथ साथ जीवन शैली देना, ये प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी योगदान रही। कंप्लीट लाइफस्टाइल अलोंग विद द फिलॉसफी। फिर प्रभुपाद जी जैसे स्टार्टिंग में 1967 में जब सैन फ्रांसिस्को में थे, एक इनवाइट मिला कि भाई एक रॉक शो चल रहा है या कुछ हिप्पीज लोगों का कुछ एक इवेंट चल रहा है, वहां पे आना है। प्रभुपाद जी ने विचार विमर्श किया कि जाएं क्या, वहां पे ड्रग्स होगा, रॉक एंड रोल चलेगा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कीर्तन करने देंगे क्या? बोला हाँ कीर्तन करने देंगे। प्रभुपाद ने कहा फिर चलेंगे। चले गए, जैसे प्रवेश किया धुआं था चारों तरफ हॉल के अंदर, अगरबत्ती का नहीं था, पूरा ड्रग्स जो लोग ले रहे थे उसका धुआं था। फिर प्रभुपाद स्टेज पे देखे, स्टेज पे कुछ लोग पीले रंग का वस्त्र पहनकर नाच रहे थे, जैसे केला होता है वैसा, केले के शेप में। तो प्रभुपाद बोले ये क्या है? बोले ये बनाना डांस है। तो बनाना डांस क्या होता है? तो किसी ने कहा प्रभुपाद जी इनको पता पड़ा कि बनाना का पील को अगर जलाओ, जो केले के छिलके से जलने पर उसको आप अगर सूंघते हो तो एलएसडी का इफेक्ट होता है, नशा चढ़ता है, तो इसलिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद सर पीट लिए, बोले इतने साल भारत में था कोई मालूम नहीं था कि बनाना का ऐसा भी यूज है। फिर प्रोग्राम सब हो गया, कीर्तन हो गया, फिर जब लौट के आए प्रभुपाद फिर हंसने लगे सुन के, सोच के कि क्या देखा मैंने। फिर एक भक्त ने कहा प्रभुपाद हिप्पी लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि जगन्नाथ जी के लिए हर रोज एक पेटी केला देंगे, लेकिन कंडीशन है रिटर्न छिलका चाहिए उनको। तो करें कि नहीं करें, स्वीकार करें कि नहीं करें? तो प्रभुपाद ने कहा कि भाई मैं भारत से जब यहां आया, अमेरिका आया, कभी कल्पना भी नहीं किया कि क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। 2005 में पहली बार मैं जब यूएस में टूर पे था, कोई कॉलेज के प्रोग्राम में मैं गया था एथेंस में, ओहायो न्यू वृंदावन से 3-4 घंटे की दूरी पे। तो प्रोग्राम के बाद हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक अचानक मैंने एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा और फिर एक सैफरन में 2-4 लोग चल रहे थे। तो मैंने कहा अरे यहाँ पे भी हरे कृष्ण है क्या? तो बिल्डिंग के बगल में सैफरन में घूम रहे। बोले नहीं, ये अमेरिकन जो कैदी लोग हैं उनको सैफरन कपड़ा देते हैं, ये जेल का ड्रेस है, क्योंकि ये कपड़ा ये इतना चमकीला है कि दूर से दिख जाता है कि कोई कैदी भागे तो सबसे दूर से जो है सैफरन दिख जाता है ये कलर। तो ये जेल था वो बिल्डिंग। तो प्रभुपाद जी आत्मविश्वास के साथ वैदिक संस्कृति को एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति में कैसे सहजता के साथ प्रकट किए, एक बहुत बड़ा आश्चर्य का कार्य था ये। फिर प्रभुपाद जी के पास एक बार
कुछ लोग आए और वो कहने लगे, एक एक व्यक्ति आए और कहने लगे, यू आर टेलिंग अस टू चैंट बट आई डोंट हैव फेथ इन चैंटिंग बट आई लाइक काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट रिपीटेशन. आप रिपीट करते रहो एक ही वाइब्रेशन को, तो एक ही इफेक्ट होता है उसका, चाहे वो हरे कृष्णा बोलो, 1 2 3 4 बोलो. सो आई वॉन्ट टू डू 1 2 3 4. प्रभुपाद सेड ओके, इफ यू वॉन्ट टू काउंट यू काउंट, कीप काउंटिंग, बट वंस यू आर टायर्ड ऑफ काउंटिंग स्टार्ट चैंटिंग. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल मन और दिमाग पर एक कृत्रिम रूप से हावी होने वाला तत्व नहीं है, ये हमारे हृदय के अंतःकरण में सुप्तावस्था में स्थित कृष्ण भक्ति को उद्दीप्त करने की एक अधिकृत प्रक्रिया है. तो इसलिए ये स्वाभाविक है. प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत. प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्ण के माध्यम से जब ये हरिनाम ये हरिकथा हमारे हृदय के अंतःकरण में प्रविष्ट होगी, स्वानां भाव सरोरुहं, जो हृदय के भीतर कृष्ण भक्ति का भाव है वो प्रकट होगा. धुनोति शमलं, और तब जाके अनर्थों का नाश होगा. आज विश्व में सबसे बड़े बिजनेसेस में इंश्योरेंस और फार्मा हेल्थ केयर, ये इस बात का प्रतीक है कि सबसे बड़ा भाव जब लोगों को इफेक्ट करता है वो है भय, फियर. Fear, there is fear of death, fear of disease. इसलिए तो insurance और pharma में इतने करोड़ों करोड़ों रुपए लगे हुए. तो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन अनिश्चित है और हमारे जीवन में कभी भी मोड़ आ सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें इसकी पूरी जानकारी कहीं नहीं मिल रही. वो प्रभुपाद जी ने प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करके कैसे मरणासन्न अवस्था में महाराज परीक्षित ने मृत्यु की तैयारी की, ये विश्व के सामने ये संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन कर दिया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रभुपाद जी लेक्चर करने गए, लेक्चर दे रहे थे, अचानक एक प्रोफेसर खड़े हुए, बोले स्वामी जी यू आर स्पीकिंग अबाउट कीर्तन होली नेम, लेकिन वेदांत ये नहीं कहता, वेदांत ये कहता है, वेदांत वो कहता है, वेदांत ये कहता है. प्रभुपाद जी उनको घूर के देखे, बोले आर यू फिनिश्ड, बोले नो फर्दर पॉइंट्स. और फिर वो काफी देर अनाप शनाप कई चीज बोले, फिर प्रभुपाद बोले आर यू फिनिश्ड, बोले नो, फिर आगे बोलते चले गए, फिर प्रभुपाद जोर से बोले आर यू फिनिश्ड, बोले यस. प्रभुपाद सेड सिट डाउन, बैठे. जैसे बैठ गए प्रभुपाद जी ने आरंभ किया, कई कई श्लोक सुनाए, चैतन्य चरितामृत से, भागवतम से, उपनिषदों से, कि कैसे हरिनाम संकीर्तन ही मूल सार है, हरिनाम संकीर्तन ही भक्ति का मूल तत्व है, हरिनाम संकीर्तन ही महाप्रभु का मिशन है. एरूपया चंडाले कीर्तन संचारे नाम पे माला गोंथी पुड़िला संसारे कुंचन सदृश देह अरुणबसं पुलक अश्रु कंप स्वेद
ताहते भूषण भजनेर श्रेष्ठ मध्ये नवविदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम पाइले पाए प्रेम धन। तो ये निरपराध नाम संकीर्तन को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समवेत स्वरूप हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस तत्व को प्रस्तुत करने आए और महाप्रभु के इस वाणी को प्रभुपाद जी उस स्कॉलर के सामने उस प्रोफेसर के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम वर प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि आनंद लीला विग्रह है अपने सुंदर छवि और दिव्य आमोद प्रमोद और आनंद से जन सामान्य के समक्ष ये 16 अक्षर के महामंत्र की शक्ति को प्रस्तुत कर रहे थे। ये 16 अक्षर के महामंत्र को केवल कोई एक सामान्य मंत्र न मानो, आपके हृदय के अंदर सुप्तावस्था में स्थित एक असीमित मात्रा के आनंद के विस्फोट का एक कारण बनेगा। ये महामंत्र है, इसके अंदर कितना आनंद छिपा हुआ है जो आपके हृदय के साथ जोड़ेगा आपको, उसका विज्ञापन महाप्रभु ने किया। हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महा प्रेम वर प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो महाप्रभु का इस स्वरूप को लोगों के सामने प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। जब प्रोफेसर को जब इतने सारे श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने आश्वस्त कराया, बोले जा रहे थे एक के बाद एक श्लोक, तब प्रोफेसर अचानक हाथ उठाए। प्रभुपाद बोले, क्या हो गया, What is your question? प्रोफेसर बोले, I have one question. प्रभुपाद ने कहा, What is that? प्रोफेसर बोले, Can we have कीर्तन? उनका तब से ऑब्जेक्शन चल रहा था कि भाई ये कीर्तन को क्यों लेके आ रहे हो, ये तो वेदांत में ये कहा है वो कहा है। फिर वही प्रभुपाद की वाणी सुन के कीर्तन की ओर आकर्षित हो गए। तो ये संकीर्तन को प्रभुपाद जी ने विश्व भर में प्रस्तुत किया है। फिर प्रभुपाद जी जब प्रचार कार्य में लगे थे तो उस समय भारत में भी वो आए, 1970-71 की बात है। और भारत में एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी आप कहते हो मांसाहार न करें, लेकिन रामचंद्र भी जब वन में थे तब मांसाहार किए, तो हम क्यों ना करें। प्रभुपाद जी ने कहा, रामचंद्र तो पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं, He can eat the whole universe, including you. तो इसलिए बिना तत्व को समझे यहां वहां की बहकी बहकी बातें मत किया करो। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुना है, ऐसा जीरो कोई भी नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवता हैं, तो स्कोप बहुत बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, कोई ना कोई कथा किसी ने कहीं ना कहीं सुनी है।
तो ये सारा अपने दिमाग में घूमता रहता है। तो फिर हमको लगा कि अपने को भी पता है कुछ, लेकिन इतनी जानकारी होने पर भी जब तक आदतें नहीं बदलती, जब तक संकल्प शक्ति नहीं आती जिससे हम इंद्र तृप्ति के प्रलोभन और प्रस्तावों को मना कर सकें, तब तक वास्तविक धर्म को हमने अपनाया नहीं है। आमनिस्तरिते तोमार इहा आगमन, परम दयालु तुम्हें पतित पावन। रामानंद राय कहते हैं महाप्रभु को, आप परम दयालु हो, आप पतितों के पावन हो। पतित कौन है? पतित की क्या परिभाषा है? वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गुणे। पतित का अर्थ होता है वो जानता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के विरोध में है, ये शास्त्रों का उल्लंघन है। बाहर से कोई व्यक्ति न भी बोले तो मन के अंतःकरण से हम जानते हैं ये पाप है, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गुणे। एक अदृश्य शक्ति हम पर हावी हो जाती है और हमें वशीभूत करती है, वो है पाप। और इसीलिए काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणा। तो इसलिए जब तक हम कृष्ण भक्ति को जीवन में उतार कर इसे समझकर आंतरिकरण नहीं करेंगे, आदतों में परिवर्तन नहीं आएगी, व्यसनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, इंद्रियों को करने की लालसा शमन नहीं होगी। क्योंकि विश्व में करोड़ों करोड़ों दुकानें हैं जहां पर हर प्रकार की दवा औषधि मिल जाएगी, फार्मेसी शॉप में, अस्पताल में। लेकिन बताइए दुनिया में कौन सा अस्पताल है, कौन सा फार्मेसी शॉप है जो आपको दवा दे सकता है आपके काम वासना को कम करने के लिए, आपके क्रोध को कम करने के लिए, आपके द्वेष को समाप्त करने के लिए, आपके लोभ का शमन करने के लिए? कौन सा अस्पताल बना है? कौन सा ऐसा ड्रग मिलता है, कौन सा फार्मा कंपनी है जो बना पाता है ऐसा ड्रग? असंभव है, क्योंकि इसका केवल मोनोपोली मंत्र के अंदर है। इसीलिए प्रभुपाद जी इस मंत्र को लेके गए और केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने 18 से 25 साल के आयु के पाश्चात्य देश के नव युवक और नव युवतियों को, जिन्होंने कभी कृष्ण के विषय में, राम के विषय में सुना ही नहीं था, उन लोगों को कृष्ण भक्तिमय चेतना में पूरी तरह आप्लावित कर दिया। अर्थात ये मंत्र की शक्ति है। प्रभुपाद जी का इंटरव्यू हुआ शिकागो पुलिस चीफ के साथ। उसने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज द सॉल्यूशन टू क्राइम रेट? प्रभुपाद ने कहा, भाई क्रिमिनल मेंटेलिटी विल गो अवे व्हेन यू चैंट द होली नेम। कई वर्ष पहले मैं पूना में एक जेल का प्रोग्राम कर रहा था, येरावाड़ा जेल पूना में, खतरनाक है, उम्र कैद फांसी की सजा वाले लोग ही रहते हैं। मैक्सिमम मर्डर करने वाले लोग,
तो उस प्रोग्राम में मेरे सामने 500 कैदी बैठे थे, 1997-98 की बात है। जेल के प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं एक कारण से, क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड रहता है, बिना एडवर्टाइजमेंट के लोग बैठ जाते हैं क्योंकि वहीं रहते हैं, और साथ में पुलिस का सपोर्ट भी रहता है। लेक्चर के बीच बीच पे पुलिस वाले जो है, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, अपने आदमियों को बोलकर ऑडियंस को फिर सावधान कराते टू पे मोर अटेंशन, सपोर्ट। तो 15-20 मिनट के लेक्चर के बाद मैंने पूछा, किसी को कोई प्रश्न है क्या? एक कैदी ने हाथ उठाया, मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। बोला नहीं, मैं स्टेज पे आके पूछूंगा। मैंने कहा यार स्टेज पे क्यों आ रहा है ये? फिर मैंने बगल में खड़े हुए हमारे कमिश्नर साहब को पूछा, ये कौन है ये कैदी? कमिश्नर साहब ने कहा 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं, स्टेज पे क्यों आना चाहता है? तो उसने कहा चिंता मत करो, हमें ना आने दो। तो आ गए स्टेज पे और बड़े आत्मविश्वास के साथ स्टाइल में बोलता है, स्वामी जी आप अभी महामंत्र ले रहे थे, हरे रामो कर रहे थे, लेकिन शास्त्र में तो हरे राम कहा गया है, राम का रामो कैसे कर दिया? तो सारे बैठे कैदी जोर जोर से ताली बजाने लगे। बोले अपने बीच भी पंडित बैठा है। तो मैंने कहा भैया अगर कोई लाके आम आपको देगा और कहेगा ये आम नहीं है आमो है, खाओगे कि नहीं? बोले हाँ वो तो खाएंगे। तो प्रोग्राम के बाद मैंने उनको पूछा, उस कैदी को, कि तुम यहां अंदर कैसे प्रवेश करिए? तो क्या करें, इतना क्रोध से मैं पीड़ित हूं, जब कोई कलह होता है, किसी के साथ मतभेद होता है, इतना क्रोध आ जाता है कि मेरे दिमाग के ऊपर धुंधला छा जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं मुझे ही नहीं पता, मैं क्रोध का शिकार हूं। लेकिन भगवान की दया से देखो जेल के अंदर मुझे क्या काम मिला है, ब्रेल लैंग्वेज में बुक को ट्रांसलेट करने का। ब्रेल मतलब अंधे लोगों के लिए जो होता है ना भाषा, तो टू ट्रांसलेट अ बुक इनटू ब्रेल लैंग्वेज। कौन सा बुक मिला? भगवत गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। उसने कहा शायद मैं इसलिए यहां आया, तो इसलिए आज लोगों को लगता है कि लेट अस ट्रेन आवर चिल्ड्रन ओनली इन स्किल्स 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 स्किल्स। अरे बट द हैबिट्स विल किल हिम। क्या कर रहे हो आप उनके आदतों को परिवर्तित करने के लिए, उनके मानसिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिए? आज हम लोग गैजेट्स के ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं, अपने मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल छूट गया है, अपने आदतों के ऊपर नियंत्रण समाप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी ने वेस्ट में जाकर पाश्चात्य देश के लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ दिया, इस बात को सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई राष्ट्रीय हो, वो सबके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम के पुकार के साथ प्रतिध्वनि करते हुए आदान प्रदान करती। द होली नेम रेसिप्रोकेट्स विथ द लव विद इन द हार्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मे बी योर नेशनैलिटी। तो इसलिए ये है सनातन धर्म, और इसको स्थापित करने श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण किए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि भाई किसी को ट्रेन करना इतना इजी नहीं है,
और कई बार भक्ति को दूर से देखो, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, सचिन तेंदुलकर को प्ले करते हुए देखते हैं टीवी पे, विराट कोहली को खेलते हुए देखते, सबको लगता है अरे क्रिकेट तो बड़ा आसान है, तो छक्का मारना है बस, क्या है। लेकिन खुद जब उतरेंगे तो केवल बॉलर को भागते हुए देख के घबरा के निकल जाएंगे, क्योंकि देखने में बाहर से बड़ा इजी लगता है। वैसे प्रभुपाद जी को और उनकी जीवन शैली को देखकर और उनके स्केड्यूल को देखकर हो सकता है किसी को लगे कि चलो अपन भी कर लें क्या, नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, नंद कुमार दास उनके सर्वेंट पीछे चल रहे थे, अचानक नंद कुमार दास के पीछे कुत्ता लग गया, कुत्ते को देखकर नंद कुमार दास भागे भागे प्रभुपाद के पास चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। प्रभुपाद मुड़ के देखे कुत्ता भाग रहा है नंद कुमार दास के पीछे, प्रभुपाद जी तुरंत अपने सर के ऊपर लाठी लिए, छड़ी जो थी वॉकिंग स्टिक सर के ऊपर लिए, प्रभुपाद थोड़ा झुके, कुत्ते को आंख में आंख मिला के जोर से चिल्लाया हट। अमरीकी कुत्ते ने देसी गाली सुनी नहीं थी, घबरा के बैठ गया वो। जैसे ही बैठ गया, अमेरिकी डिवोटीज भी बहुत इंप्रेस हो गए कि प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते। तो 2 साल बाद नंद कुमार दास प्रभुपाद के साथ जयपुर में थे, राधा गोविंद मंदिर के वहां पे वो रोटी बना रहे थे, अचानक एक बंदर घुसाया अंदर। बंदर को देखकर एक को याद आया कि कुत्ते को कैसे कंट्रोल किया था, तो रोटी बनाने का लाठनी लिया हाथ में, बेलन को लेके बंदर को देख के बोले हट। बंदर ने वहां पर मटका उठाया, सीधा मारा उनको, तो भागते हुए प्रभुपाद के पास आए, बोले मैंने वही फॉर्मूला अपनाया लेकिन काम नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा लेकिन आप समझे नहीं। तो इसलिए कृत्रिम रूप से किसी को देखकर अगर किसी को यज्ञ मैं भी ये सब करूंगा हो जाएगा, वो नहीं होता है। सबको अपनी कसरत करनी है, सबको इस मिशन में शुद्ध होना है, और शुद्धिकरण के लिए मार्ग हर व्यक्ति के लिए नियुक्त किया गया है। आज के टेक्नोलॉजी के युग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ बटन पे उपलब्ध है, कुछ भी चाहिए खट बटन पे मिल गया, ये चाहिए बटन दबाओ, ये हो चाहिए अमेज़न में डाल दो, ये चाहिए। तो हर चीज जब बटन पे उपलब्ध हो जाता है, सबको लगता है चलो भाई अपनी प्रगति, आंतरिक प्रगति भी बटन दबाओ हो जाएगा, नहीं होता है। तो इसलिए बाहर की अपनी दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन अंदर का परिवर्तन स्लो ही चलेगा। इसलिए बाहर के रफ्तार के साथ कंपेयर करके लगे कि ये कब तक चलेगा धीरे धीरे, तो व्यक्ति जो है हिम्मत हार जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया अलग है, अंदर के आंतरिक परिवर्तन का मार्ग अलग है, उसके हिसाब से चलना है। इसलिए वैष्णव सत्संग को प्रभुपाद जी ने खड़ा किया, जिससे ऐसे सत्संग में हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को प्रेरणा दें और इस मिशन में हम आगे बढ़ें। तो मैं फिर आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोग यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में उपस्थित हुए जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर, और प्रभुपाद जी के आविर्भाव महोत्सव में भाग लिए, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। He built a house where the whole world can live. आइए हम प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, जिससे हम अपने निजी जीवन में भक्ति के मार्ग का अवलंबन करते हुए प्रगति करें, अपनी आंतरिक शुद्धिकरण करें और जन सामान्य में कृष्ण भक्ति का वितरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप में हम एक प्रेममयी निमित्त बनते हुए जगत और जन जीवन में क्रांति उत्पन्न करने में सहायक बने। इन शब्दों के साथ
मैं आज के इस कथा को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गौरांग प्रभु। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद व्यक्त करेंगे। सभी लोग एक बार हाथ खड़े करके हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे।